वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबर देने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और आप डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से होगी, इसका जो कन्फर्मेशन है वो काफ़ी हद तक हमें मिल चुका है। और अभी तक जो दो यूनिवर्सिटीज है उनका डिसीजन भी आ गया है कि उनकी जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन तरीके से ही ली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारी जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उसका डिसीजन आ गया है कि उसकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही रहेगी, और उसका एक फर्स्ट पेपर है वो ऑनलाइन तरीके से लिया भी जा चुका है। तो इसका मतलब कि जो उनकी मुंबई यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन तरीके से ही ली जाएगी। और भले ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, लेकिन ये वीडियो काफ़ी हद तक आपके लिए ज़रूरत इम्पॉर्टेंट मन साबित होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, और हमारी जो नागपुर यूनिवर्सिटीज़ है उसकी भी डिसीजन आ गया है कि उसकी जो एग्जामिनेशन है वो 1 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से ली जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है कि ऑनलाइन तरीके से ली जाएगी या ऑफलाइन तरीके से। लेकिन दोस्तों, मुझे तो लगता है 100% उनकी भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से ही ली जाएगी, क्योंकि अगर एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेती है तो दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं लेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऑफलाइन एग्जामिनेशन दी तो उन स्टूडेंट को काफ़ी कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट काफ़ी हद तक कम लगेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी हो, मुझे तो अभी लगता है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही लेगी, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई बाकी यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई भी आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, भले ही आप नांदेड़ यूनिवर्सिटी से हो, MSBT से हो, या पुणे यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, फिर भी मैं आपको अपडेट इस चैनल पर देता जाऊंगा। जैसे ही अपडेट आएगा मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।